नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। दोपहर के 3 बज रहे हैं और वक्त हो गया है उत्तर मांगे प्रदेश का। यूपी चुनाव में हार के बाद अब सियासी दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य समाजवादी पार्टी से कुछ नाराज नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव हार गए। केशव देव मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने तो सपा में स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री को एक सोची समझी रणनीति करार दे दिया और कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में आने के बाद ही सपा प्रत्याशी ओवर कॉन्फिडेंस हो गए और महान दल को किनारे कर दिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सपा गठबंधन में हार के बाद गांठ पड़ गई है। इसी सवाल का जवाब जानेंगे खास मेहमानों से, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सपा गठबंधन में पड़ी गांठ। मैं ये कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा महान दल कैडर का महान दल के समर्थकों को इस्तेमाल कम हुआ। उस वोट पे फोकस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं था कि वोट भी उन्हें मिल सकता है और ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान डबल का कर सकता है। महान दल के अध्यक्ष ने कही चुभने वाली बात। उसके पीछे कौन सा कारण है? केवल ओवर कॉन्फिडेंस हुआ कि हम तो जीत रहे हैं, हमें जरूरत नहीं मेहनत करने की। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी मुझसे मिलते थे, जो संपर्क में थे, सब में ओवर कॉन्फिडेंस था। सपा में स्वामी की एंट्री किसकी रणनीति? मैं ये कह रहा हूँ रणनीतिक चाल हो सकती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भेज के और प्रत्याशियों को और ओवर कॉन्फिडेंस किया जाए, और ओवर कॉन्फिडेंस किया गया। स्वामी की वजह से महान दल को तवज्जो नहीं मिली। जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी नहीं आए थे, महान दल का इस्तेमाल हो रहा था, महान दल के लोगों को पूछा जा रहा था, महान दल के पदाधिकारियों से वोट के बारे में जानकारी ली जा रही थी, कहाँ कितना वोट है। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए तो समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, उन्होंने महान दल को एकदम किनारे रखा। वाकई में ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी सपा। और महान दल का इस्तेमाल हुआ होता तो दो फायदे होते, एक तो समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ता और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होता, क्योंकि 2017 में ये पूरा का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी में गया। हार के बाद गठबंधन का क्या फलसफा? तो हार के बाद क्या सपा गठबंधन में पड़ गई है फूट, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, केशव देव मौर्य अध्यक्ष महानदल, हीरो वाजपेयी प्रवक्ता भाजपा, और मेरे सहयोगी अनुभव शुक्ला भी जुड़ गए हैं लखनऊ से। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का एबीपी गंगा की इस खास चर्चा में। सबसे पहले केशव देव मौर्य जी, आप ही से मैं शुरुआत करूंगी। ये जो लगातार आप सियासी तीर छोड़ रहे हैं, इसे हार की बौखलाहट कहें या फिर व्यक्तिगत खींच? नहीं, हार का दुख कह सकती हैं कि हार का दुख है और हम बेहतर कर सकते हैं, उतना नहीं कर पाए तो दुख तो हमेशा रहेगा ही कि हम कर सकते थे, हम जीत सकते थे चुनाव, और अगर हम प्रयास करते तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते थे। जनता में नाराजगी थी, कोरोना काल में जो अन्याय हुआ था उससे लोग नाराज थे, महंगाई से नाराज थे, किसानों के खेतों में सांड घुसकर उनकी फसल चौपट कर रहे हैं उससे भी लोग नाराज थे, व्यापार चौपट हुआ था उससे नाराज थे, और उसके वोट हमारे पक्ष में था, लोग मतदान करना चाहते, लेकिन हम लोगों ने, हमारे प्रत्याशियों ने उतनी मेहनत नहीं की और उतना वोट लेने का प्रयास नहीं किया जितना करना चाहिए था। जी, आपको नहीं लगता कि आते आते हुजूर बहुत देर कर दी आपने? अगर ऐसी चीजें थी तो आपने क्यों नहीं कहा था, समाजवादी पार्टी को इत्तला की थी आपने इस बात की कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए आप सभी लोग? अब ये सच है कि मैं अखिलेश यादव जी से नहीं मिल पाया क्योंकि उस समय व्यस्तता बहुत थी उनकी भी और मेरी भी, हम अखिलेश यादव जी तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन मैंने समाजवादी पार्टी के जिले स्तर के पदाधिकारी जहां जहां मुझे मिले, प्रत्याशी जिनसे मुलाकात हुई, मैंने कहा कि थोड़ा सा गंभीरता और रखिए, भारतीय जनता पार्टी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, वो पहले से वोट कटवा के बैठे हमारे समाजवादी पार्टी समर्थकों का
महान दल के समर्थकों का और गठबंधन के समर्थकों का, उन्होंने हर बूथ पर 200-500 वोट कटवा दिया। वो वोट जो हमारा था वो वोट कट गया है, तो हमें उसकी पूर्ति के लिए दूसरे विकल्पों पर प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद हर तरह से चुनाव जीतने में लगी थी, हर वो तरीका अपना रही थी। और ठीक है, यानी आप ये मान रहे हैं कि आपकी जो रणनीति थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई, और इसका सीधा जो आप खामियाजा, सीधा जो आरोप आप लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य पर। हीरो वाजपेयी जी भी हमारे साथ हैं। हीरो वाजपेयी जी, देखिए आप तो चुनाव जीत गए, लेकिन जिस गठबंधन का जोर दिखाया जा रहा था उत्तर प्रदेश में, उस गठबंधन में अब गांठ पड़ती हुई नजर आ रही है, और आप पर आरोप ये लग रहे हैं कि आपने जानबूझकर स्वामी प्रसाद मौर्य को भेज दिया समाजवादी पार्टी में। देखिए, ये आपसी में इनकी जातिगत द्वेषता है, उस पर मैं नहीं पढ़ना चाहता। जो लोग उधर गए और जो लोग उनके सिंबल से चुनाव लड़े, उनके पास जाके लड़े, और जैसा कि अभी महान दल के अध्यक्ष कह रहे थे कि जनता में नाराजगी थी, जनता में नाराजगी जरूर थी, लेकिन परिवारवाद के खिलाफ थी। इनके पास भी 2 सीटें मिली थी, किसको लड़ाया इन्होंने? इन्होंने क्या अपनी कौम को पूरा अवसर दिया? पत्नी और पुत्र लड़ा दिया, जनता ने नकार दिया। वही हाल उधर भी हुआ कि जो लोग उनके लड़ने वाले थे, जो लोग उनके बीच में थे, उनके प्रति नाराजगी थी। और लगातार अखिलेश जी, 12 में उनको पिताजी ने सत्ता दी थी, 14 में उनका टेस्ट हुआ हार गए, 17 में उनका टेस्ट हुआ हार गए, 19 में जनता ने नकार दिया, और 22 में पुनः उसकी पुनरावृत्ति हुई। जनता ने उनके नेतृत्व को सिरे से खारिज कर दिया है। और ये कहना, ये तो सरफुटवल होनी ही थी इन दलों में, और आगे अभी और देखिएगा, कोई कहीं छोड़कर भाग जाएगा तो कोई कहीं छोड़कर भाग जाएगा। और अखिलेश जी के सारे लेबोरेटरी के टेस्ट ऐसे ही हुए। राहुल जी से किया, 2 लड़कों का साथ है, साइकिल टूट गई, हाथ भी टूट गया, फिर बुआ बबुआ में हो गई, हाथी साइकिल पे चढ़ गया, साइकिल चकनाचूर हो गई, हाथी ने खारिज कर दिया। और अभी एक जो नया प्रयोग किया इन्होंने जातियों का, तो आज आप महान दल के अध्यक्ष के मुंह से जो वक्तव्य आ रहे हैं उससे समझी सकती हैं कि आगे आने वाला भविष्य क्या है। जल्दी आपको ये छोटे छोटे दल सपा पर और तोहमत लगाते हुए उनसे किनारा करते दिखेंगे। उन्होंने कह दिया चुनाव बीच में मेरी अखिलेश यादव से बात ही नहीं हो पाई, तो साहब होनी क्या थी? उन्होंने 2 सीट आपको दे दी और आपने अपने पत्नी बच्चा लड़ा लिया, आप 2 सीटों पर लड़ रहे थे, जनता ने आपको नकार दिया। ठीक है, हीरो वाजपेयी जी, देखिए आप तो जीत से गदगद हैं, और जाहिर सी बात है कि अब आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है समाजवादी पार्टी के लिए। अनुभव, आपके पास मैं आऊंगी, जिस तरीके से सियासी बयानबाजी अब चल रही है, क्या सीधे तौर पर समझा जाए कि अब जिस गठबंधन का जोर दिखाया जा रहा था उस गठबंधन में गांठ पड़ गई है? अनुभव, देखिए ये तो पहले से ही चर्चा थी इस पूरे उत्तर प्रदेश में कि ये जो गठबंधन हुआ है वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। अगर परिणाम अनुकूल नहीं आए तब तो ये बिखरेगा। और देखिए अभी 10 तारीख को नतीजा है, और आज आप देखिए 15 तारीख है, और ऐसे में 5 ही दिन के भीतर इस तरह की बयानबाजी शुरू हो गई। सहयोगी दल महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य से हमने सुबह पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हमें तवज्जो नहीं दी गई और हमारी जगह दूसरों की तवज्जो दी गई, हमारी जनसभाएं लगाई नहीं गई, प्रत्याशियों ने हमको मांगा, हमारा प्रचार मांगा कि जनसभा हमारी लगे, लेकिन हमारी जनसभाएं नहीं लगाई गई। तो शायद इनको इस बात से भी नाराजगी है कि इनको जो वैल्यू नहीं मिली और इनकी जगह दूसरे यानी स्वामी प्रसाद मौर्य को ज्यादा पार्टी ने इस्तेमाल किया, ये भी एक वजह है। एक महत्वपूर्ण बात जो केशव देव मौर्य ने कही, उन्होंने ये कहा कि शायद प्लांड वे में बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में भेजा। अब अगर मान लीजिए इतनी प्लानिंग बीजेपी कर रही, तो क्या समाजवादी पार्टी में जो रणनीतिकार थे वो इस चीज को सही नहीं समझ पाए? और क्या अगर केशव देव मौर्य को ये लग रहा था तो उन्होंने कभी अखिलेश यादव को ये कहा कि इससे हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है? इसका जवाब तो केशव देव मौर्य ही देंगे, लेकिन ये जरूर है कि वो केशव देव मौर्य जो बात कहते हैं उस पर अमल भी करते हैं। उन्होंने आज यही कहा कि अगर तवज्जो नहीं दी जाएगी कुछ दिनों में तो वो अपना रास्ता अलग कर लेंगे, यानी वो विचार कर सकते हैं कि किसी और के साथ जाया जाए। बिल्कुल, और देखिए वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने बात करने की कोशिश अखिलेश यादव से नहीं मैं कर पाया क्योंकि मुलाकात नहीं हो पाई, हालांकि जिला स्तर पर उन्होंने जरूर इस बात की सूचना दी थी। केशव जी, अब जरा ये समझा दीजिए, क्या ये कद की लड़ाई तो नहीं है केशव देव मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच में? आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि उनके आने के बाद आपकी अनदेखी कर दी गठबंधन में और आप उस हार का ठीकरा अपने ऊपर नहीं फोड़ना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं उस हार का दंश? नहीं, मैं जो हार हुई है समाजवादी पार्टी गठबंधन के, उसका मैं अपने ऊपर ही ले रहा हूं। मैंने कहा, मैंने बयान में कहा
कि मुझे इस बात का दुख है कि महान दल के जो संगठन का वोट था, महान दल समर्थकों का जो वोट था, उसका मैं 25% वोट भी समाजवादी पार्टी को नहीं दिला पाया। मैं अपने ऊपर ही ले रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी ब्लेम नहीं। यानी आप मान रहे हैं आपका फेल्योर है, आपका फेल्योर है, ये मान रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, लेकिन उसमें कारण ये है, प्रत्याशियों ने जब कोई हमारा तवज्जो नहीं दिया, प्रत्याशियों ने हमारे महान दल के कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल ही नहीं किया, तो मैं अकेले क्या कर सकता था। हाँ, वोट समाजवादी पार्टी में जो मुस्लिम और यादव जो माना जा रहा था वोट, वो गया। और रही स्वामी प्रसाद मौर्य जी के मामले में कोई वर्चस्व की बात नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटजिक रूप में भेजा था। मैंने कहा हो भी सकता है कि कहीं उन्हें लगा हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे पास भी आए थे चुनाव के पहले। जब साइफाई में कार्यक्रम हुआ, जनाक्रोश यात्रा का समापन, सफल समापन जिसमें लाखों लोग पहुंचे महान दल के समर्थक, तो भारतीय जनता पार्टी कई नेता मेरे पास आए, बड़े नेता आए, मैं नाम नहीं लूंगा चैनल, उन्होंने मुझसे बड़े बड़े मेरे पास ऑफर दिए। उन्हें ये डर था कि जो 2017 में साक्ष्य सैनी कुशवाहा मौर्य इस बात का जवाब देखिए हीरो वाजपेयी साहब देंगे, केशवदेव मौर्य जी, लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है आपके बारे में कि ऊंची दुकान फीके पकवान? आप तो ये कह रहे थे कि आप सभी सब्जेक्ट्स में पास हो जाएंगे, लेकिन एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए जब रिजल्ट सामने आ गए। तो ऐसा है कि मैं जैसे अभी मेरे ऊपर बीजेपी प्रवक्ता लगाया कि आरोप परिवारवाद का, इनके यहाँ परिवारवाद नहीं, इनके यहाँ राजनाथ सिंह जी के बेटे लड़े तो परिवारवाद नहीं। जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी इनकी पार्टी में थे, उनकी पुत्री सांसद लड़ी तो वो परिवारवाद नहीं। ये सब जब ये मंत्री चुनाव से पहले जब इन्होंने केंद्र में मंत्रियों का गठन किया, इन्होंने पर जाति देख के गठन किया कि हमने इस जाति को, और इन्होंने टीवी चैनल बड़े गर्व से कहा कि हमने इस जाति को तवज्जो दिया। ये खाली चुनाव के बाद बड़ी बड़ी डींगे हाँकते, ये सच है कि कोरोना काल में इनकी फेलोर रही, कोरोना काल में इन्होंने शराब की दुकान खुली रहे, कोरोना नहीं फैलता। केशवदेव मौर्य जी, आप तो मान लीजिए कि पूरी तरीके से आप ही का फेलियर था, या फिर आप सीधे तौर पर ठीकरा फोड़ दीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर, ये बीच में आप जो अटके हुए नजर आ रहे हैं ये समझ से परे। बहरहाल आपके पास मैं लौटूंगी हीरो वाजपेयी जी, आपसे भी मैं जवाब लूंगी, अनुभव आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। हीरो वाजपेयी साहब, मैं आपका चाहूंगी कि आप ही को अब ये कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप कौन से दूध के दूल्हे हैं। देखिए, हारने के बाद आदमी दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करता है। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का परिवारवाद की ये बात कर रहे हैं, उस तरह का परिवारवाद कहीं भी भाजपा में आज नहीं पता हमारा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, मोदी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री होगा, किसी परिवार का नहीं है, कौन हमारा गृह मंत्री होगा, कौन रक्षा मंत्री होगा, इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ कतई नहीं है। जो कार्यकर्ता नीचे से मेहनत करके आता है, वार्ड बूथ और जिले में काम करते हुए प्रदेश तक आता है और फिर चुनाव लड़ता है, उसकी स्वीकार्यता रहती है। हमारे यहाँ किसी के बाप, किसी का बेटा, किसी का रिश्तेदार होने का फायदा नहीं। और जहाँ तक अभी ये बात कर रहे हैं मौर्य जी, तो उसमें मेरा एकमात्र यही कहना है कि देखिए, आपने दो टिकट साझे में ली है ना, और सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चे को लड़ाया। मुझे लगता है जनता परिवारवाद को उत्तर प्रदेश में नकारने में लगी है, और उसलिए केशवदेव मौर्य के परिवार को भी उन्होंने नकार दिया। अखिलेश यादव जी ने अपने परिवार से इस बार डर के मारे कोई व्यक्ति खड़ा नहीं किया कि इस परिवार को लोग लगातार नकार रहे हैं, कहीं नकार ना दें, इसलिए नहीं खड़ा किया। तो मुझे लगता है कि देश के अंदर एक ये परिवारवाद का भ्रष्टाचार के बाद गुंडागर्दी, और ये सब चीजों को उत्तर प्रदेश की जनता ने फिर सिरे से नकार दिया है। और मुझे लगता है जितनी जल्दी इन छोटे दलों को समझ में आ जाए कि ये दल केवल अपने और अपने परिवार के लिए साथ आ गई है, बंपर बहुमत के साथ वापस आ गई है। अनुभव, आपसे मैं समझना चाहूंगी, देखिए आप दोनों ही पक्षों की बात सुन रहे हैं, हालांकि हीरो वाजपेयी जी के पास अब कहने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि अब बहुमत हासिल कर चुके हैं, उनकी बातों पर मुहर जनता ने लगा दी है। लेकिन जो बात केशव देव मौर्य बार बार कह रहे हैं, ना तो सीधे तौर पर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनका फेलियर है, ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य पर सीधे तौर पर हमला बोल रहे हैं, इससे क्या कहें? देखिए, अब हार तो हुई है समाजवादी पार्टी की, और गठबंधन के साथ अगर आप देखें तो 125 सीटों पर ही सिमट गई है पूरा गठबंधन, तो कहीं ना कहीं तो कमी रह गई। क्या कमी रह गई? अब ये केशव देव मौर्य अगर समझ रहे हैं तो इनको अखिलेश यादव को बताना चाहिए, क्या अखिलेश यादव के जो सलाहकार हैं उन्होंने ऐसी सलाह दी जिससे कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, जो बात केशव देव मौर्य कह रहे हैं। तो अगर ऐसे सलाहकार हैं
तो क्या केशव देव मौर्य ने बताया कभी कि भाई ये गड़बड़ लोग हैं, इनसे बच के रहिए। अब चूंकि सहयोगी दल रहे हैं तो इनकी भी जिम्मेदारी है कहाँ कमियां रही उस बारे में ये बताएं, अखिलेश यादव को बताएं, जो अन्य लोग हैं उनको बताएं। पर केशव देव मौर्य अकेले नहीं है जो ये कह रहे हैं कि मोर कॉन्फिडेंस में चले गए। आपको याद होगा दो दिन पहले किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने कहा जी। हमको तो पहले चरण के बाद ही पता चल गया था कि हम हार रहे हैं। अब हाँ। बताइए, उनको पहले चरण के बाद ही पता चल गया था। केशव देव मौर्य कह रहे हैं कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, हमारा बेहतर इस्तेमाल नहीं हुआ। तो यानी जो रणनीतिकार थे, देखिए अखिलेश यादव अकेले पूरे प्रदेश में गए, हर जगह प्रचार किया, कैंपेन किया, लेकिन क्या सलाहकारों ने अपनी भूमिका सही से निभाई? जो सलाहकार थे, क्या केशव देव मौर्य अब इन सारी बातों को बताएंगे? अभी दो दिन पहले मिल के आए अखिलेश यादव से, क्या कुछ बात हुई वो तो यही जान सकते हैं। लेकिन अगर इनको लग रहा है कि और कॉन्फिडेंस में चले गए तो क्या वजह है? ये महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं अनुभव, और इसी का जवाब हम ले लेते हैं केशव देव मौर्य जी से। केशव देव मौर्य जी, क्यों ना समझा जाए कि आप तो हारने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि अगर आप पहले से ही, आपके सामने स्थिति एकदम स्पष्ट हो गई थी, पिक्चर एकदम क्लियर हो गई थी, तो आप क्यों नहीं गए अखिलेश यादव के पास? आपने क्यों नहीं बताया कि यहाँ यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, चूक हो रही है, आप सुधार लीजिए ताकि जीत हासिल हो सके? नहीं, मैं ओम प्रकाश राजभर की तरह ज्योतिषी नहीं हूँ। पहले चरण से मैं जान गया था कि हम हार रहे हैं, लेकिन हम ये बात का जरूर प्रयास कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी को हल्के में ना लिया जाए। बहुत लोग जैसे जो पहले चरण में जान गए थे ओम प्रकाश राजभर, वो लंबी लंबी फेंक रहे थे, वो कभी ये बात नहीं किए कि हम हार रहे हैं पहले चरण। पहले चरण से अगर हार रहे तो उन्हें बताना चाहिए था। मैं इस बात के मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ कि हम महान दल के समर्थकों का जितना वोट हम समाजवादी पार्टी को दिला सकते थे, मैं नहीं दिला पाया। मैं अपनी कमी बता रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप अपनी कमी बता रहे हैं केशव देव मौर्य जी, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने क्या ये कमी, ये जो स्ट्रेटेजिक फेलियर आप बता रहे हैं, क्या ये कमी आप अखिलेश यादव तक पहुँचा पाए? आपने उस वक्त अपनी भूमिका क्यों नहीं समझी? नहीं पहुंचा पाए, हम उनसे मिल नहीं पाए, व्यस्तता बहुत ज्यादा थी उनकी भी, और हम भी दो प्रत्याशी लड़ा रहे थे। आप चुनाव लड़ रहे थे, आप चुनाव लड़ रहे थे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चुनाव, और आप कह रहे हैं कि आप मिल नहीं पाए, आप बता नहीं पाए। हाँ, नहीं बता पाए, हमारी गलती है, हम कमी कर गए। और रही जहां तक जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा, ठीक है केशव देव मौर्य जी, सवाल मेरे पास, देखिए समय यहां पर खत्म हो रहा है, लेकिन आपकी बातों से तो जाहिर हो गया कि आपको पहले से पता था कि आप लोगों की हार हो जाएगी, लेकिन आप ये बात बता नहीं पाए क्योंकि समय की आपके पास बहुत कमी थी और अखिलेश यादव के पास बहुत कमी थी। ठीक है, हम हार रहे हैं लेकिन हम चाहते थे, पता चल गया था आपको कि ओवर कॉन्फिडेंस में है और स्ट्रेटेजिक फेलियर यहां पर हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बताने के लिए कि कहां पर हो रहा था फेलियर और समाजवादी पार्टी में फिलहाल जो गठबंधन किया था छोटे छोटे दलों में उनकी क्या स्थिति है, ये आपने जान लिया। इसी के साथ उत्तर मांगे प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए एबीपी गंगा।